शनि ग्रह से जुड़े हुए एक अचूक समाधान बताऊंगा, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों कृपया सब्सक्राइब करें आदि एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ज्योतिष से जुड़े हुए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों वीडियो चलते समय आप किसी भी वक्त वीडियो को बंद कर सकते हैं। बंद करने से पहले लाइक या फिर डिसलाइक दोनों में से जो आपको अच्छा लगे ठीक लगे वो बटन को प्रेस करके फिर वीडियो को बंद कीजिएगा। दोस्तों शनि के प्रतिकार के तौर पे नीलम का यूज तो आपको पता ही होगा, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही कम पैसे का एक टोटका बताने जा रहा हूं, वो है घोड़े की नाल। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये बात नई तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ में इस उंगली में, मध्यमा उंगली में आप घोड़े की नाल की बनी हुई अंगूठी आप देख सकते हैं। इससे भी शनि ग्रह का जो प्रतिकार है, शनि ग्रह जो अशुभ फल देता है, उस अशुभ फल से हम लोग थोड़ी निजात पा सकते हैं। लेकिन ये घोड़े की नाल से बनी हुई ये अंगूठी कितने हद तक काम करती है, आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग घोड़े के पैर से घोड़े के जो नाल है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, तो एक यू शेप का एक लोहे का टुकड़ा आता है, उसका एक एटॉमिक फॉर्मेशन होता है। क्योंकि घोड़ा जब दौड़ता है, चलता है, फिरता है, तो अणुपरमाणु उसी प्रकार से एक एटॉमिक फॉर्मेशन उसमें बन जाता है, जो कि देखा गया है और शास्त्र में भी कहीं कहीं पे उल्लेख है कि अगर उसको घर के मुख्य द्वार के ऊपर अगर उसको रखा जाए तो वास्तु दोष या फिर शनि ग्रह से जुड़े हुए अगर कोई समस्या हो रही है तो उससे जातक या जातिका मुक्त हो सकती है। लेकिन आप अगर उसी टुकड़े का अंगूठी बनाते हैं, उस वो टुकड़े को आप अगर आग में जलाते हैं, फिर उसको हथौड़े से पीटते हैं, फिर उसका शेप लेके अगर उसकी अंगूठी आप बनाते हैं, तो उसका जो एटॉमिक फॉर्मेशन है वो पूरा चेंज हो जाता है। जैसे एक वीडियो मैंने बनाया था कि ट्रीटेड जेमस्टोन्स और अनट्रीटेड जेमस्टोन्स, अगर आपको याद नहीं है तो उसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे दूंगा। तो इसी प्रकार से जब आप घोड़े की नाल की अंगूठी धारण करते हैं तो उसका जो एटॉमिक फॉर्मेशन वो जो है वो चेंज हो जाता है, और वो जो लोहे का टुकड़ा है वो सामान्य लोहे का टुकड़ा होके ही रह जाता है, जो शनि के प्रतिकार के रूप में हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये आता है कि तो घोड़े का नाल हम लोग यूज करें तो करें कैसे करें। अगर आपको घोड़े का नाल मिलता है तो आप प्रेफर कीजिए काले घोड़े का नाल आप ले। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है, उसको आप घर में आके गंगा जल से धोए और पूजा के स्थान में रख दे। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद काले धागे में घोड़े का नाल लगा के उसको घर के मुख्य द्वार के मध्य में लगा दीजिए। जो मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर आप घोड़े के नाल को यू शेप का जो होता है उसको मुख्य द्वार के ऊपर लगा दीजिए। हर रोज उसमें धूप दीप दिखाइए, उसको प्रणाम कीजिए और अपनी जो मनोकामना है आप उसके सामने रखिए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा दोस्तों, अगर आपके घर में कुछ वास्तु दोष है, पितृ दोष है, शनि से जुड़ा हुआ अगर कुछ दोष आपके लग्न कुंडली में है, आप अगर नीलम धारण नहीं कर सकते तो आप ये रेमेडी अगर करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत भारी मात्रा में लाभ मिलेगी। अगर विश्वास नहीं होता है तो करके देखिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको आज इस वीडियो के जरिए समझा पाया कि घोड़े के नाल को हम लोग कैसे यूज करें ताकि उससे हम लोगों को शनि ग्रह से जुड़े हुए बेनिफिट्स मिले, और घोड़े के नाल से बनी हुई रिंग क्यों काम नहीं करती है, इसके बारे में आपको जानकारी दे पाया। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, इधर देखिए सब्सक्राइब का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे किसी रोचक एवं महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। दोस्तों कृपया सब्सक्राइब करें आदि एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ज्योतिष से जुड़े हुए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।